हेलो दोस्तों, डीजे बिना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दुर्गा पूजा के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये यहाँ पे दुर्गा पूजा पंडाल में आप आए हैं, यहाँ पे बुकिंग लिए हैं। यहाँ पे ऐसे तो प्रोग्राम और विसर्जन दोनों का बुकिंग मिल रहा था, लेकिन प्रोग्राम का बुकिंग दोस्त को दे दिए हैं क्योंकि मेरे पास प्रोग्राम सेटअप नहीं था। प्रोग्राम सेटअप में देख सकते हैं दोनों तरफ डुअल बेस दो पीस टॉप लगाए हैं दोनों तरफ, और अंदर स्टेज में मॉनिटर लगाए हुए हैं। आप लोगों को नज़दीक से इसका एम्पलीफायर वगैरह भी दिखाएंगे। ये यहाँ पे एम्पलीफायर लगाए हैं, ये देख सकते हैं कि स्टेबलाइजर और एक पीस 4K और 3K और एक NX ऑडियो को एम्पलीफायर है जो कि मॉनिटर को कंट्रोल करता है NX ऑडियो। ये रहा दोस्तों दुर्गा पूजा समिति का नाम और एड्रेस, और ये देख सकते हैं पंडाल काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बड़ा है दोस्तों। देख सकते हैं बाहर से आपको दिखा देते हैं कितना बड़ा है पंडाल जो डेकोरेटर वाला से बनाया है। इसका लागत काफ़ी अच्छा आया होगा दोस्तों, और इसमें चंदा देने वाले मेन जिसका कंट्रीब्यूशन है उसका नाम बैनर में आपको दिखा चुके हैं दोस्तों। मंदिर का प्रांगण इतना बड़ा है कि पंडाल इतना बड़ा बनने के बाद भी अंदर में बहुत ही जगह है जिसमें दुकान वगैरह इंस्टॉल वगैरह लगा हुआ है, जैसे चाट गुपचू वगैरह काफ़ी सारा दुकान लगा हुआ है। आप लोगों को पहले मूर्ति दिखा देते हैं, दुर्गा माता का मूर्ति जो काफ़ी बड़ा बना है। ये मंदिर भी देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ा पक्का बना हुआ है। देख सकते हैं इसका लुक चारों तरफ का, देख सकते हैं बहुत ही बड़ा मंदिर है। अब आपको मूर्ति दिखा देते हैं, देख सकते हैं मूर्ति दुर्गा माता का काफ़ी सुंदर बना हुआ है दोस्तों, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अब आप लोगों को दिखा देते हैं पंडाल के बाहर कि किस तरह का स्टॉल, कितना सारा दुकानें लगी हुई है। देख सकते हैं चारों तरफ पंडाल के बाहर जो कि मंदिर के अंदर का प्रांगण है, इसी में दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रांगण है जिसमें स्टॉल वगैरह लगा हुआ है। काफ़ी सारे छोटा छोटा दुकानें लगी हुई है, देख सकते हैं छोटा छोटा बहुत सारा दुकान लगा हुआ है जो कमेटी वाले अंदर लगवाए हैं। और ये रहा काली माता का मंदिर बगल में। ये रहा दोस्तों मंदिर का मेन एंट्रेंस मेन गेट जो इधर से एंट्री लेते हैं। देख सकते हैं मंदिर काफ़ी बड़ा है और इसका प्रांगण भी मतलब एरिया भी काफ़ी बड़ा है जिसमें बहुत सारे यानी छोटी छोटी दुकानें अंदर में लगाई हुई है। यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क मार्केट है, हीरापुर हटिया है दोस्तों। आप लोगों को आज दिखाते हैं कि रणधीर वर्मा चौक से लेके सिटी सेंटर चौक तक दोस्तों पूरा ही रोड एकदम पूरी अच्छी तरह से लाइटें से इस तरह सजाई हुई है। देख सकते हैं मेन गेट जो कि यहाँ रणधीर वर्मा चौक से शुरू होता है और आखिरी ख़त्म सिटी सेंटर चौक में होता है। तो आप लोगों को बाइक में चलते चलते आप लोगों को नज़ारा पूरा दिखा देते हैं कि पूरा रोड ही एकदम लाइटें से पूरी अच्छी तरह से सजाई गई है। धनबाद में घूमने के लिए ये बेस्ट जगह है। आप लोग पैदल 1.5-2 किलोमीटर लाइट का लुत्फ़ उठाते हुए मेले का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। इस बार दुर्गा पूजा पंडाल समिति एकदम रोड के किनारे डेकोरेटर लाइट पर बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च किया हुआ है, और देख सकते हैं एकदम पूरा दोस्तों एकदम रणधीर वर्मा चौक से लेकर सिटी सेंटर चौक तक पूरा रोड ही सजा हुआ है लाइटें से, जो कि देखने में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि पूरा रोड कहीं पर भी खाली नहीं छोड़ा है, लाइट सब भी जगह लगे हुए हैं। देख सकते हैं रोड का लुक एकदम रात को देखने से लगता है कि मानो कहीं अलग ही दुनिया में आ गए हैं। देख सकते हैं इस बार घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह यह है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप नज़दीक से नज़दीक धनबाद के इस जगह जो कि सिटी सेंटर चौक से लेकर रणधीर वर्मा चौक के बीच पैदल घूम चल के मेला का लाइट वगैरह का लुत्फ आनंद अच्छी तरह से उठा सकते हैं। देखने में दोस्तों बहुत ही शानदार लग रहा है, आप लोग भी आके देख सकते हैं।
दोस्तों सिटी सेंटर चौक बस पहुंचने वाले हैं, ये देख सकते हैं सिटी सेंटर चौक पहुंच चुके हैं। बस दोस्तों यहीं तक ले, पूरा डेकोरेटर लाइट लगाया गया है, पूरा पूजा समिति इस बार यहीं तक ले लाइट लगाई है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।